आपको ये बताने जा रहा हूं कि डायबिटीज के मरीजों को जब कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना हो उससे पहले और उसके बाद डायबिटीज कंट्रोल कैसे करना चाहिए और दवा कब लेना चाहिए। तो जैसा आप सब जानते हैं कि आफ्टर 50 ईयर एज के बाद कैटरेक्ट बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, यानी बहुतों को कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना पड़ता है। कैटरेक्ट ऑपरेशन से पहले आपका खाली पेट ब्लड शुगर हर हाल में 130 mg कम होना चाहिए। नॉर्मल बेस्ट कितना होता है, खाली पेट होना चाहिए 80 से 130 और खाने के बाद होना चाहिए 120 से 180 तक, ये बेस्ट होता है। अगर आपका ब्लड शुगर इस रेंज में है तो आपको ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑपरेशन भी आराम से होगा, ऑपरेशन के बाद जो वुंड घाव हीलिंग भी आराम से होगा, आपका विजन भी बहुत तेजी से रिकवर करेगा। देखा गया कि अगर शुगर अनकंट्रोल हाई रहता है तो आफ्टर सर्जरी जो टांका लगता है उसमें इन्फेक्शन खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हर हाल में कोशिश करें ब्लड शुगर 180 या मैक्सिमम 200 से कम खाने बाद रहे, और खाली पेट बेटर 110 से कम या मैक्सिमम 130 से कम रहना चाहिए। अब सवाल है कि जिस दिन ऑपरेशन करना है उस दिन गोली खाएं ना खाएं। तो जब भी कैटरेक्ट के मरीजों को ऑपरेशन होता है या डायबिटीज मरीज कोई ऑपरेशन होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग हो जितना जल्दी हो सके। तो अगर आपका डायबिटीज वेल कंट्रोल विद इन रेंज है तो आप जिस दिन आपको कैटरेक्ट ऑपरेशन होना है उस दिन आप गोली ना खाएं। एक बार ऑपरेशन हो जाए, चूंकि कैटरेक्ट ऑपरेशन को सुन करके आंखों में आई ड्रॉप डालते हैं, आई सुन रहती है क्या आता है, उसको बेहोश नहीं किया जाता है, तो ऑपरेशन मुश्किल से 5-7 मिनट लगता है। तो एक बार आपका ऑपरेशन हो जाएगा, कोशिश करें ऑपरेशन सुबह 10-10 से पहले रखा जाए। तो नॉर्मली डायबिटीज अगर आप टैबलेट कंट्रोल है तो आप सुबह दवा मत खाएं, आप ऑपरेशन के जाएं। ऑपरेशन होने के बाद आप जब भी कोई खाना दिया जाएगा उससे पहले गोली खा लें। इसके बाद ऑपरेशन से ठीक पहले आधे दिन पहले शुगर भी मॉनिटर कर ली, शुगर कैसा है। किसी किसी का स्ट्रेस में शुगर बढ़ जाता है, अगर आपका शुगर पहले वेल कंट्रोल था, ऑपरेशन डर के बाद शुगर बढ़ गया है, तो ऐसे में शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन 3-4 मिनट लगाया जा सकता है आपको, जिस शुगर इमीडिएट आपका नॉर्मल आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेशन देर हो जाता है तो मरीज खाता नहीं है, तो कभी शुगर लो आ जाता है। तो और किसी हाल में अगर आपका शुगर 90 से कम आ रहा तो ऐसे में 2 बिस्किट खा लें, जिससे शुगर कम चांसेस न रहें। तो अगर आप डायबिटीज कंट्रोल रखेंगे तो आपका कैटर आराम से ऑपरेशन होगा, आपका वुंड आराम से हील होगा, आपका विजन पूरी नॉर्मल रिकवर कर जाएगी। तो आज बताया कि टैबलेट खाने वालों क्या करना चाहिए। अगर जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं उनके लिए अगला वीडियो बनाऊंगा कि इंसुलिन लेने वालों को डायबिटीज से पहले और डायबिटीज का कैसे मैनेज करना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें, धन्यवाद। अब मेरे पास सामने एक पेशेंट बैठे हुए हैं, इनका खाली पेट 133 आ रहा, खाने बाद आपको 140 आ रहा है, 140 आ रहा है। तो